Hi guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. My channel name is Gamya Channel. Guys, आज मैं एक हॉल वीडियो लेके आई हूँ. इसके पहले मैंने बहुत सारे रेवती के एक्सप्लोर वीडियो शेयर किया आप लोगों के साथ में. थ्री एक्सप्लोर वीडियो मैंने शेयर किया है, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री करके. अगर आप लोगों ने नहीं देखा है रेवती का जो मैंने एक्सप्लोर किया था, तो प्लीज़ जाइए देखिए. आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, अदरवाइज आई बटन पे भी लिंक मिल जाएगी. गाइज, आज मैं जो आपको हॉल दिखाने वाली हूँ वो है रेवती स्टोर हॉल. बट आपने जो प्रोडक्ट मैं आपको दिखाऊंगी, आपने वो सारे प्रोडक्ट्स देखे होंगे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एंड मीशो पे भी. तो आप ऐसा बोल सकते हो कि मीशो के जैसा हॉल लेके आई हूँ, बट वो मैंने ऑफलाइन परचेज किया है. तो बहुत हो गई बातें, अभी स्टार्ट करती हूँ वीडियो और आपको बताती हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज कि मैंने जो कुर्ता पहन रखा है उसका हॉल वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे जा चुका है. नहीं देखा है तो प्लीज जाइए देखिए. आप सपोर्ट करो ना, कीप सपोर्टिंग गाइज. छोटी सी हमारी जो फैमिली है गाम्यास चैनल की, उसको और स्प्रेड करिए ताकि हमारी जो फैमिली छोटी सी है वो थोड़ा बड़ी हो जाए और लोगों को भी बेनिफिट हो. साथ में मुझे भी अच्छा लगेगा कि यस, मेरा जो मेहनत है वो आप लोगों को पसंद आ रहा है. एंड जो मैंने ज्वेलरी पहन रखी है उसका भी जो हॉल वीडियो है वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे जा चुका है. ज्वेलरी जो है वो मीशो से मैंने परचेस किया था. अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ गाइज जाइए देखिए और सपोर्ट करिए. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को हिट कर दीजिएगा एंड अपने फ्रेंड फैमिली के साथ में शेयर भी कर लीजिएगा. तो अभी स्टार्ट करती हूँ अभी मैं अपना हॉल वीडियो. ये है वो बैग. एक्चुअली मैंने खाने पीने की चीज़ें भी शॉपिंग करी थी, बट वो मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने यूज़ कर लिया है तो वो मैं नहीं दिखा रही हूँ. जो टॉय वगैरह है और कपड़े जो मैंने थोड़े बहुत परचेस किए हैं वो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ. मैंने बहुत सारे कपड़े परचेस नहीं किए हैं. अगर आप लोगों ने मेरा व्लॉग एक्सप्लोर वाला देखा होगा तो आपको पता होगा मैंने सिर्फ कुछ दुपट्टे वगैरह ही देखे थे, तो मैंने वो दुपट्टा ही पिक किया है. यू कैन सी, ये नेट का दुपट्टा है गाइज, मुझे तो बहुत पसंद है. मेरे पास ऐसा नेट का कुछ भी दुपट्टा नहीं था. एक्चुअली मेरे पास लहंगा है उसमें पर्पल कलर का दुपट्टा है, बट ऐसा नेट का दुपट्टा नहीं है. मेरे पास गोल्डन कलर का सिल्क का दुपट्टा है, तो मैंने सोचा नेट का भी ले लेते हैं. अच्छा लगता है कुछ अगर आपने एम्ब्रॉयडरी वगैरह पहन रखा है या प्लेन काइंड ऑफ ड्रेस है, कुर्ता है आपके साथ पास में, तो इसके साथ में कैरी करने में बहुत अच्छा लगता है. आप देख सकते हो ट्रांसपेरेंट सा है एंड यहाँ पे जरी वर्क किया हुआ है. पूरा ऑल ओवर दुपट्टे में ऐसा जरी वर्क हुआ है एंड यहाँ पे लेस की डिटेलिंग दी गई है, तो बहुत ही अच्छा दुपट्टा है. एंड इसका अगर मैं प्राइस की बात करूँ गाइस, तो वो है, आप देख सकते हो यहाँ पे टैग भी लगा हुआ है. इसका जो प्राइस है गाइस वो है 209 रुपीज़ का ये दुपट्टा है. तो इस तरह का दुपट्टा आपको मीशो पे भी मिल जाएगा. अगर आप चाहते हो तो वहाँ से परचेस कर सकते हो, ऑफलाइन भी मिल जाएगा. और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये जो मैंने दुपट्टे परचेस किए हैं वो सही प्राइस में मिला है या मुझे थोड़ा कॉस्टली पड़ा है या जो भी है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा. ये है हमारा फर्स्ट दुपट्टा. एंड सेकेंड दुपट्टा गाइस, सेकेंड जो दुपट्टा मैंने परचेस किया है वो है ये येलो कलर का. इस तरीके का मेरे पास दुपट्टा है लेकिन वो सिफॉन के कपड़े में था. उसको मैंने बड़ोदरा से परचेस किया था. ये आई थिंक कुछ टिश्यू काइंड ऑफ कपड़ा है, इसमें साइनिंग भी है और मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा. इसके और भी कलर्स थे, रामा ग्रीन, सी ग्रीन, रेड कलर, तो मैंने वो नहीं लिया. मुझे एक्चुअली इसमें का मेरे पास रेड कलर का है, दैट्स वाई मैंने येल्लो पिक किया है. मुझे बहुत ही, और येल्लो मेरे पास था भी नहीं दुपट्टा. तो आप इस तरीके से इसको कैरी करो, बहुत ही अच्छा लगता है. ऑल ओवर ऐसे छोटी छोटी बूटियाँ बनाई हुई हैं एंड यहाँ पे बॉर्डर बना हुआ है कुछ इस तरीके से, यू कैन सी. और ये गोटा पट्टी है गाइस. गोटा पट्टी जैसा कि बहुत काफ़ी पहले से ट्रेंड में है और अभी भी ट्रेंड में चल रहा है गोटा पट्टी, तो इस तरीके का है. मुझे बहुत पसंद आया गाइस, ये दुपट्टा मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया. प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कि ये जो मैंने चॉइस करा है, परचेस किया है, वो कैसा है. एंड अगर आप व्लॉग वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें दिखाया भी था, कुछ इस तरीके का है. लंबाई और चौड़ाई है गाइस बहुत ही अच्छी है एंड एंड में इसके कुछ इस तरीके के टैसल लगे हुए हैं. तो इस तरीके के दुपट्टे भी आपको इजी मीशो पे, अमेजोन पे ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा, बट मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा. प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लग रहा है. तो ये था मेरा सेकंड दुपट्टा. मैंने क्लोथिंग में तो सिर्फ ये दो ही दुपट्टे लिए थे, बाकी मैंने बच्चों के टॉयज़ वगैरह लिए थे, वो भी आपके साथ में मैं अभी शेयर कर. इस दुपट्टे की जो प्राइस है वो है 371 रुपीज़, यानी कि आपको अराउंड 400 जैसा कि ये दुपट्टा मिल जाएगा. तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये जो दुपट्टा है वो सही, मतलब अच्छे प्राइस में मिला है या कॉस्टली मिला है. तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर आपको आइडिया होगा तो, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से कुछ ऑफलाइन परचेज नहीं किया है और मैं लिटिल बिट कन्फ्यूज थी कि ऑनलाइन अफोर्डेबल पड़ता है या ऑफलाइन अफोर्डेबल पड़ता है. तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये कैसा मैंने परचेज किया है.
एंड सेकेंड जो मैंने लिया है गाइज, सॉरी थर्ड जो मैंने परचेस किया था वो बच्चे का टॉय है यहाँ पे। इसके पीछे में यहाँ पे आपको एक छोटी सी ग्लास मिल जाती है, इसको आप ऐसे निकाल के यहाँ पे कर सकते हो, तो बहुत ही क्यूट सा है। यहाँ पे ये एम्प्टी नहीं था, इसमें क्ले था पाउच में, छोटे छोटे पाउचेस में क्ले थे, कलरफुल क्ले एंड कुछ इस तरीके का है। और गाइज वो जो फिल्टर वाला मैंने टॉय आपको दिखाया वो अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है। सर जूड़ा वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए मैंने ये लिया है, और इसका जो प्राइस है वो है 29 रुपीज़। ये गॉगल है गाइज, बच्चों ने दो गॉगल लिया था एंड मैंने क्रंचीज लिए थे ये 2, और इसका जो प्राइस है वो 25 रुपीज़ है। कुछ इस तरीके का कुछ मेकअप लुक करना है या कुछ ट्रेडिशनल टाइप का करना है तो ये अच्छा लगेगा, बाल में ऐसे जुड़ा बना के लगाएंगे तो। इसका जो प्राइस है गाइस वो है 189 रुपीज़, 190 रुपीज़ का है ये। एंड मैंने पर्ल की माला लिया था, यू कैन सी कभी हम ट्रेडिशनल पहनते हैं तो उसमें पर्ल की माला अच्छी लगती है, तो कुर्ती वगैरह के साथ में अच्छा लगता है, तो इसके लिए मैंने लिया ट्राई ऑन वगैरह में पहनने के लिए। और ये ऐसी ज्वेलरी है गाइस कि वो आपकी डॉटर अगर है इसकी तो उसके लिए भी ये यूज़फुल होगा। और मैंने ये बैंगल लिया था, इसका जो प्राइस है गाइस वो है 224। एंड अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, जो मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है वो है garima.tripathi.3950, और सेकेंड आईडी जो है गाइस ऑफिशियल _gamyas channel, तो वहाँ पे भी जाके मुझे फॉलो कर लीजिए। एंड लास्ट जो मैंने प्रोडक्ट लिया था गाइस वो है ये बैंगल, इसका जो प्राइस है इसमें मेंशन नहीं, हाँ मेंशन है, इसका जो प्राइस है गाइस वो 139 रुपीज़ का है। आई थिंक ये ऐसे ही प्राइस में आते हैं, पहनने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है, कलरफुल है, दैट्स वाई इसके साथ में कोई भी बाउंडेशन नहीं है, बाउंड्री नहीं है कि तुम्हें इसी कलर के साथ में इसको पेयर अप करना है, तो ये लिया है मैंने। एंड लास्ट में मैंने छोटी सी निविया की क्रीम लिया है, ये कुछ अफोर्डेबल काइंड ऑफ स्किन केयर दिखाने के लिए इसको मैंने परचेस किया है। और भी मैंने बहुत सारी चीज़ें परचेस किया है बट वो मैंने कहाँ रखा, इधर उधर हो गई हैं। एक्चुअली आई थिंक 1 वीक अराउंड हो गया है शॉपिंग किए हुए, तो सारी जो चीज़ें हैं वो इधर उधर हो गई हैं, कुछ मैंने यूज़ कर लिया है दैट्स व्हाई मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। और मैंने छोटे छोटे कप लिए थे स्टील के बच्चों के लिए, और या वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। 2 कप लिए थे ये छोटे वाले, एंड 1 मेरी डॉटर के लिए एंड 1 मेरे छोटे वाले बेबी के लिए, तो इस तरीके का है। इसका जो प्राइस वगैरह है टैग सब निकल गया क्योंकि यूज़ कर रहे हैं बच्चे अभी। गाइज ये था मेरा छोटा सा हॉल वीडियो, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो गाइज, प्राइस वगैरह से आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिला हो कि यस ये जो प्राइस है वो अप्रॉक्स या कुछ भी हेल्प मिला हो, तो गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अगर नहीं किया है तो बेल आइकॉन को हिट कर दीजिएगा। अगर पहले से सब कुछ कर रखा है तो थैंक यू सो मच, एंड नहीं किया है फर्स्ट टाइम आप वीडियो देख रहे हो, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, तो प्लीज सब्सक्राइब करके चैनल का पार्ट बन जाइए, फैमिली का पार्ट बन जाइए। मिलती हूं किसी और वीडियो के साथ में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।